Are you guys ready to see my new sleeping tripod? I know, आप लोगों की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और उसके बाद आज मैं ये करने वाली हूँ एक हाई लेवल टेम विकारनों का, वो भी एक नहीं दो दो का करेंगे, और उसके साथ इनका एक बेबी को भी हम हैच करने वाले और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट अभी मुझे याद नहीं आ रही है, तो फिलहाल के लिए ना फटाफट से मेरे गेम पे जाते। उससे पहले हो लटियस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एयर के मोबाइल ब्रोटल सीरीज। अभी तक तो हो चुका, अभी मुझे एक को हटाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा इधर पर जारबुआ को ही ना हटाया जाए, तो इसको हटा देते। बाय बाय जारबुआ, अभी इसको मैंने हैच किया था, बहुत अच्छा म्यूटेशन निकाला था मैंने इसका, बट अभी क्या ही कर सकते, इसको हटाना ही पड़ा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतना जगह है नहीं, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए बेल बोर्ड, और उससे पहले मैं आज बनाने वाली हूँ ट्राईपॉड को, ठीक है, स्लीपिंग पॉट, सॉरी ट्राईपॉड बोल रहे, स्लीपिंग पॉट को बनाने वाली हूँ, जो कि अपना एडी एलिमेंट से बनता है और भी क्रिस्टल, फिर पॉलीमर वगैरह वगैरह सारी चीज़ों से बनता है, ठीक है ना, टेक रेप्लिकेटर में। और ये मुझे मिला था डांजियन से, वो भी मैंने दिखाया था, कहाँ से मिला, कैसे मिला, सारी चीज़ें मैंने दिखाया था। और इधर पे मैं इसको लेके आ तो चुकी हूँ, बट इसका साइज बहुत ज़्यादा लंबा है यार, ये देखो कितना बड़ा है कि एकदम से ऊपर चला गया, एकदम एकदम फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस कर दिया यार। तो अभी मैं ऊपर तो नहीं लगा सकती हूँ इसको, तो इधर ही लगाना पड़ेगा, जैसा है जो है अभी इधर ही रहे, बट बहुत अजीब दिख रहा है, तो जो भी हो। अभी मुझे चाहिए एक स्टीगो एक का केबल, ठीक है, स्टीगो का एक का केबल चाहिए, क्योंकि पहली बार तो मैंने मेसोपोटामिया को बहुत देर से छोड़ के रखा है। आई होप कि इसका अभी हो ही गया होगा, आई थिंक मैं ही लेट हूँ इस बार, तो लेट्स सी। नहीं 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 यार, मैं थोड़ा सा ही पहले आया हूँ, 2 सेकंड पहले। सही यार, अभी इसको ना मैं दे देती हूँ इसको, स्टीगो का एक का केबल का जो अपने पास केबल है उसको, उसको देने के बाद मैंने इसको इधर पे फिट करा दिया, ठीक है। अभी देखो इसका फिर से एक बार होगा, बट लेट होगा, बट इधर पे मैं जो देख पा रही हूँ इसका मैच्योरेशन ना 50% क्रॉस कर दिया यार, तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, बाद में देखेंगे, अगर बहुत लेट हुआ तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने गीगा को इधर पर होइसल दे दिया, इसका भी हो चुका था इधर पर, तो आजा भाई, इसको 5 दिन हो गया ना इसको लेके हम कर रहे हैं, बट अभी भी इसका भाई अभी भी 100% इसका इम्प्रिंटिंग ही नहीं हुआ, ना ही इसका मैच्योरेशन हुआ भाई, बहुत टाइम ले रहा है ये, कुछ भी बोलो। अभी इसका वेट करते, उससे पहले मैं इसको तोड़फोड़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं इधर पे बुलाने वाली हूँ इस बार एरी कार्नो को, ठीक है, एक हाई लेवल वाला एरी कार्नो को बुलाएंगे, दोनों एरी कार्नो होगा जो कि बहुत हाई लेवल होने वाला है, और इसका म्यूटेशन भी निकालेंगे, पहले एक को तो बुला ले, उसको पहले कर लेते हैं टेम। तो अभी इसको आने देते हैं, देख लेते हैं इस बार फर्स्ट वाला क्या मिलता है, मेल या फिर फीमेल, जो मिलेगा उसका उल्टा वाला, मतलब उसका अपोजिट जेंडर वाला नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे मेल मिला है इधर पे, तो छोड़ो यार, इधर पे पास में मेरा बेड है, इसमें जाके सो जाते हैं फटाफट से, तो चलो चढ़ लेते हैं इसके ऊपर, जाने के बाद फटाफट से सो जाएंगे, ठीक है ना। और इधर पे इतना लैग हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता के ख़त्म नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा लैग हो रही है आजकल गेम, पता नहीं क्या हो गया है गेम को, वो छोड़ो यार, इधर पे सो जाते हैं फटाफट से। सुबह उठ के इसको टेम भी करना है, बहुत सारे काम बाकी है उसके, मतलब इसको टेम करने के सिवा भी बहुत सारा काम है, तो चलो फटाफट से इसको ना इधर पर मारते हैं। इधर पर एक तो मार दिया बेचारा, इधर ही देख रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था, अरे सेविंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार, बीच बीच में इतना सेविंग देता है ना, अलग लेवल की सेविंग दे के रख देता है। देखो ये कैसे कैसे इधर से इधर जा रहा है, फिलहाल के लिए इसके पीछे हम तो दौड़ नहीं रख सकते हैं, तो इधर से घुस जाते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड है यार, एक सेकेंड, चलो हो गया, अभी एक तो मार दिया इसको, अभी बस आ ही रहा है, देखो पागल जैसे आ रहा है ये, तो भाई इतना ज़्यादा स्टक हो रहा है ना गेम, ये क्या मारेगा मुझे, मैं खुद ही, मतलब ये भी मार नहीं मार पाएगा, सीरियस बता रही हूँ, इतना ज़्यादा स्टक हो रहा है। तो अभी इधर पर मैं तो इसको मारा हूँ बहुत ज़्यादा, अभी देखो ये पागल जैसे हरकतें कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको देखो, ये तो इधर आके खड़ा तो हो गया, बट ये वाला जो अपना लॉन्ग नेक राइफल है ना, ये बहुत अच्छी है यार, इतना ज़्यादा अच्छी है कि क्या ही बताए, कुछ ही मारेंगे तो हो जाता है, देख रहे हो ना, सामने ही देखो एग्जाम्पल है, मतलब प्रूव है इधर पे, ठीक है, कि इतना जल्दी हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं एक सूदिंग बाम को इधर पे खिला देती हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ प्राइमेट लेके आते हैं, 2 से ही हो जाएगा, है ना, 450 लेवल के ना, 2 ही काफ़ी होता है उसके लिए, तो जैसे 2 इधर पे प्राइमेट को मैं निकाल लेती हूँ, और ये सारे प्राइमेट वगैरह मैं पहले जुगाड़ करके ला के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में इन लोगों को फेंकने के बाद भाई उसके बाद लाना इसको वेरी 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 डिफिकल्ट, तो इसलिए मैं पहले ही लेके रख देती हूँ। तो फिलहाल के लिए देखो ये कानो हो चुका है अभी 674 लेवल के, जो कि काफ़ी सही लग रही है फिलहाल के लिए। अभी इसको मैं करती हूँ, इसको एक शेडल पहना देती हूँ, अभी इसको लेके ना बाहर चलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि पहली बार तो सुबह जैसे ही होता है ना, इधर पे आर्मर पहन के रखना इस वेरी डिफिकल्ट यार, क्योंकि इधर पे इतना गर्मी होता है, ऊपर से हेल्थ भी इधर पे मेरा डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण इधर पे यही सबसे बड़ी बात है कि इधर पे आर्मर ना पहनो, वही सबसे बड़ी बात है, मतलब सबसे अच्छी बात है। तो इधर पे देखो मैंने इधर पे एक रूम बना लिया, क्योंकि मुझे इधर पे लेके रखना है एचटीना को, क्योंकि पॉलीमर तो यही देता है ना, तो मैं इधर से एचटीना को निकाल तो लेती हूँ, डंग बीटल को यहीं पर रहने देते
थे और अभी मेरे पीटर और डन के पीठ में चढ़ के हम लोग इधर से निकल जाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, ये देखो, तो हम तीनों अभी इधर पे निकल जाएंगे। जाने के बाद इसको हम रख देने वाले हैं उधर पे, ठीक है। तो अभी इधर पे पहुंच भी गए, चलो फाइनली। अभी रुको यार, इधर पे उतरते हैं पहले, फिर जाके इसको हम अंदर में रख देंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड यार, इसको रख देते हैं, अभी ये इधर ही रहेगा आप से। और इधर पर मुझे इसके लिए खाना वाना का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, वो भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो यार, इतना तक तो ख़त्म हो चुकी है फिलहाल। और इधर से मैंने एलिमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों को मैंने निकाल लिया। और अभी मेरे को जो बनाना है ना इधर पे काफ़ी सारा, मुझे फाउंडेशन चाहिए, मुझे वॉल्स चाहिए, मुझे विंडो फ्रेम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि इधर पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये जो एरिया है ना उसको थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। ऊपर मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ बट बहुत दिक्कतें हो रही है। और इधर पर वॉल को भी मुझे इधर पर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्शन को भी मुझे बढ़ा देना है, ठीक है। पूरा एकदम पीछे तक खींचना है। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो, अभी इधर तक मैंने खींच दिया। अभी इसको बस इधर से मुझे घेर देना है, अच्छे तरीके से एकदम घेर देंगे। उसके ऊपर एकदम सारे चीज़ें लगा के, एकदम ग्रीन हाउस वॉल वगैरह लगा के एकदम अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। एकदम गंदी तरीके से बनाना नहीं है बिल्कुल भी। तो इधर पे भी लगा देते हैं और इस साइड पे भी लगा देते हैं। चलो इतना तक तो मैंने कर दिया। अभी देखो कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट कर रही थी। अभी ऊपर में सारे इधर पे ना सीलिंग को लगा देते, ठीक है। अभी देखो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, सीरियसली बता रही हूँ। ये सारे बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत टाइम भी लग जाती है, मेरे को पता है। मतलब आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा टाइम लग जाती है ये सारी एक एक चीज़ों को बनाने में। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिस कारण बहुत बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फाइनली देखो कुछ भी करके मैंने तो इतना तक कर दिया। अभी बस इधर पे मैं लगा दूंगी ग्रीन हाउस वॉल को, ठीक है। इतना तक करने के बाद बहुत बड़ा स्पेस दिख रही थी। अभी इधर पे अंदर भी देखो अपना जो बेड है नया वाला, वो भी कैसे खड़ा है, मतलब अच्छा दिख रही है, जो भी बोलो। अभी इधर पे मैंने सारी चीज़ों को लगा दिया और इसके बाद देखो कुछ इस तरीके से लुक को क्रिएट कर रही थी। और अभी मैं सोच रही हूँ इधर पे ना एक रूफ को भी लगा दे दूँ, क्योंकि बहुत साल हो गया मैंने इधर पे रूफ को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया था। और इधर पे भी सामने बिल्कुल राइट साइड में जैसे डिज़ाइन है ना वैसे ही बनाना है। और फिलहाल के लिए मैं आ जाती हूँ इधर पे मेसोपोटामिया के पास। और आने के बाद देखती हूँ इधर 98% ओवर हो चुकी है और इधर पे एकदम टाइम नहीं है कि मैं इसको 100% इम्प्लेंटिंग दे पाऊँ। तो मैं फटाफट से इधर पे वॉल वगैरह को इधर पे तोड़ देती हूँ और फटाफट, रुको एक सेकंड, इसको बुला लेती हूँ, ठीक है ना। इधर पे आजा भाई, जल्दी आजा, आजा भाई, इधर पे हूँ मैं। इसको विसल तो दे दिया मैंने, अभी आजा भाई। एक बार दिया था यार, उसके बाद क्या पता नहीं हो नहीं रहा था, फिर से मैंने दिया। तो अभी देखो ये आ ही रहा है क्या, फिर आ रहा है, रहा 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 भाई जल्दी आजा भाई, तेरे को 100% इम्प्रिंटिंग भी तो देना है मुझे इधर पे। अभी इधर पे ये तो आ चुका है बट चलो चलो चलो, फाइनली हो चुका। अभी इसका 39% है ना, अभी भी 77% है। तो चलो अभी और एक इसको रिमोट यूज़ कर देते हैं, फिर से आजा भाई जल्दी आजा। मेरे पीछे दौड़ लगा जल्दी जल्दी से, इधर आ तो रहा है बट होगा ना, इस बार मैंने व्हिसल नहीं दिया, ठीक है ना। बट एक बार मैंने पहली बार दिया था तो वहीं पे ही काम चल रहा है, तो आई होप कि इस बार हो जाए, बट हो नहीं रहा है। अभी भी इधर पे चलते हैं यार, दौड़ लगाते। अभी रुको एक सेकंड, चलो यार फाइनली इसका हो चुका है। यार कैसे मोमेंट पे आगे मैं इसका 100% इम्प्रिंटिंग देती हूँ। देखो अभी 99% इसका मैच्योरेशन प्रोग्रेस हो चुका था यार, ये हो ही जाता है यार, कुछ देर बाद आती ना। तो मैं इधर पे इसको 100% नहीं दे पाती। और इसका भी देखो अभी होने ही वाला है। ये इस बार मांग रहा है डोडो एक का की बेला। अरे यार हटना यार, अभी इसके लिए मैं एक सेकंड रेफ्रिजरेटर से मैं निकल के लेके आती हूँ इसके लिए डोडो का एक का की बेल, ठीक है। चलो यार इतना तक भी कंप्लीट इधर पे। अभी चलो इसके पास जाते हैं। जाने के बाद इसको मैं फटाफट से ना दे दूंगी इधर पे डोडो का एक केबल, ठीक है। अभी चलो इधर पे दे देते हैं फटाफट से। और इसके बाद इसको बस फिट कराना है। और जैसे मैं फिट कराती हूँ देखो फिर से एक बार 4% हो चुकी है और इधर पे 81% जैसा हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं ना सोच रही हूँ इधर पे जाते हैं और सेकेंड वाला जो अपना जो कार्नो है उसको भी इधर पे बुला लेते, ठीक है। और ये वाला मुझे चाहिए फीमेल, तो अभी इसको बुला लेते हैं। और टीम करना क्या बताऊँ, वो तो आप लोगों को भी पता है टीम कैसे होता है। बाकी इधर पे हटाते यार। तो फाइनली देखो इधर पे फीमेल वाला को टेम करके मैं इधर पे लेके आ चुकी हूँ। और इधर पे मेल वाला भी खड़ा है जो कि मैंने सुबह किया था, मतलब दूसरे दिन किया था यार। तो अभी इधर पे मैंने इसको भी लेके रख दिया। अभी मुझे चाहिए बेल बोर्ड। उससे पहले रुको एक सेकंड, इधर पे जितने भी सारे लाइट वगैरह मैंने ऑफ करके रखा था सारे को इधर पे जला देते। एकदम अंधकार अंधकार मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सारी जगह लाइटिंग वाइटिंग होकर रखे ना वो सही लगता है। देखो अब एकदम लग रहा है ना एकदम कूल सा। अभी इसको एकदम बेल बोर्ड से मैं चारों ओर से घेर दूंगी इन दोनों को, ठीक है। ये देखो फीमेल वाला क्या ही सही कलर मिला है यार, फीमेल वाला का क्या ही ब्लू ब्लू, मतलब बहुत सुंदर है। मेल वाला इतना अच्छा नहीं है। तो जो भी हो इधर पे मैं इधर पे सारे इधर पे देखो घूम घूम के लगा दिया है सारे बिल बोर्ड्स को। अभी कर देंगे इसका इनेबल वेंडरिंग को ऑन। इसका तो कर दिया, दोनों का ही कर दिया मैंने। और जैसे ही कर देते हो दोनों को एकदम घूमने लग जाता है, दोनों एकदम से मतलब भागने की एकदम पूर्ण कोशिश करते हुए इधर पे नाकामयाब हो जाती है। तो अभी देखो इधर पे दोनों का बस 10% जैसा हो चुका है। अभी वेट करना पड़ेगा 90% जैसा, मतलब सॉरी 100% जैसा होने के। तो अभी देखो फाइनली इधर पे इन दोनों ने दे दिया है इधर पे एक फर्टिलाइज एक, ठीक है। तो अभी इसको लेते हैं। इससे पहले इन दोनों को मैं काम करती हूँ, इन दोनों का एनेबल वेंडरिंग को ऑफ कर देती हूँ। नहीं तो ये दोनों जब पागलपंती करेगा ना वो तो अलग लेवल की देखेंगे आने के बाद कि ये दोनों भाग ही गया।
पता है ना ग्लीचेस कितना ज़्यादा होता है, और इधर पे एसी से लेके डिमाट्रोन सारे इधर पे खड़े हैं इधर पे हम लोगों के सेवा करने के लिए, सेवा देने के लिए। तो अभी इसके पास ही हम इधर पे एक को छोड़ने वाले हैं, तो मैंने इधर पे एक तो छोड़ दिया इधर पे। अभी देखो 100% एक का हेल्थ भी है, ठीक है, इधर पे डिमाट्रोन भी है, एसी बंद भी हो गया तब भी डिमाट्रोन इधर पे संभाल लेगा सारी चीज़ें। और इधर पे आके मैं तब तक के लिए ना सोचती हूँ घर का काम थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो इधर पे मैंने जैसे कि बोला था इधर पे मुझे टेक विंडो फ्रेम देना है, सारी चीज़ों को बिल्कुल जैसे राइट में बनाया था ना बिल्कुल सेम वैसे इधर पे भी बनाना है मुझे, तो उसी तरीके से मैं तो बना दूंगी। और इस सारी चीज़ें करने के बाद जैसे मैं आती हूँ इधर पर देख रही थी कि हो ही गया और फाइनली मुझे मिल चुका है कानों का बेबी। तो अभी इसको मैं क्लेम करने के बाद इसका एनिमल वेंडरिंग को ऑफ कर देती हूँ। अभी बस देखो इसका 692 लेवल जैसे मिल चुके, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा लेवल है। और मैं क्या सोच रही हूँ इधर पर गिगा के पास ही ना मैं इसको खड़ा करके रख जाऊँगी, क्योंकि दोनों दोनों तरफ रहता है ना बहुत दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। तो मैंने सोचा इधर गिगा के पास आके ही इसको रख देते, ठीक है। तो इसको तो मैंने इधर पर रख दिया, अब इसको स्टॉप कर देते, और इसके लिए मुझे काफ़ी सारा मिर्च भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक सेकंड रुकना ज़रा, गीगा के पास से मैं थोड़ा सा मिर्च को इधर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि गीगा के पास बहुत सारा मिर्च है। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके इसको लेके रख के मतलब लेके देती थी, क्योंकि पहली बार तो बहुत खाता है गीगा, सीरियस बता रही हूँ सबसे ज़्यादा गीगा ही खाता है इधर। तो राइट इधर पे सारे चीज़ें ठीक है, बट इधर पे मैं जो देख पा रही हूँ गीगा को अभी मुझे एडी कैंडी देना ही पड़ेगा। एडी कैंडी देने के बाद इसको टैप जैसे ही करती हूँ देखो 4% जैसा हो चुका, अभी 85% जैसा हो भी चुका है, ठीक है, क्योंकि मैं इधर पे और वेट नहीं कर सकती। फिर से एडी कैंडी को खिला दिया, अभी 90% हो चुका है, फिर से खिलाना पड़ेगा यार। ऊपर देख रहे हो ना मैचुरेशन 95% हो चुकी है, 100% इम्प्रिंटिंग इसको भी तो देना है। तो इधर पे मैंने एडी कैंडी खिला दिया फिर से एक बार, और अभी बोर्ड वंस टू वर्क है ना। तो चलो व्हिसल मार दिया मैंने, अभी बस आ जा बाबू जल्दी आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा जल्दी जल्दी से आ जा। तो अभी ये आ जाए बस इसका 4% हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये जा कहाँ रहा है भाई, हो गया हो गया हो गया, कितना भयंकर दिगड़ी है सीरियसली माय गॉड यार, सबसे भयंकर दिगड़ी है सीरियसली भाई। भाई किधर चला गया, इधर हाँ भाई 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 दब जाएंगे भाई, ऐसा मत कर यार डर लगता है मेरे को। अभी इधर पे क्या बोल रहा है, अभी चाहिए इसको ट्राई का एक बट एक सेकंड हाँ, इसको पहले हम मेरी कैंडी को खिला देते हैं। बट सबसे गंदी बात इधर पे रुको यार ट्राई का है ना, चलो यार ट्राई का कीबल तो ले लिया मैंने इधर पे फिलहाल के लिए, बट इसको एरी कैंडी पहले खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी इधर पे मैं इसको रिमोट यूज़ कर दिया, अब इसको दे दिया मैंने ट्राई का कीबल, अब इसको फिट करा के हटा देती हूँ। बट इस धर पे ना अभी भी नहीं हुआ 98% ना, तो मुझे इधर पे और भी एडी कैंडी चाहिए फिलहाल, ठीक है। अभी इधर से ना मैं खरीद लेती हूँ, एक सेकंड रुकना ज़रा इधर पे है ना। तो चलो 40 एम्बर दे के मैंने इधर पे 10 खरीद लिया, एक एक का चार एम्बर जैसे गया, ठीक है, एक करके लेते हैं ना तो 5 एम्बर जाता है। और इधर पे अगर 10 एक साथ ले लेते तो इधर पे 4 एम्बर करके जाता है। तो इधर पे मैंने ले लिया, अभी इसको एडी कैंडी खिला भी दिया मैंने, अभी बस वांट्स टू वर्क भाई, एक बार हो जाए 100% मेरा इधर पे पूरा चिंता खत्म यार। इतना दिन लग गया ना इसको 100% करते हुए भाई, मेरा इधर पे हालत ख़राब हो चुकी थी। अभी इधर पे आ जा भाई मेरे पीछे पीछे आ जा जल्दी से भाई, बाहर क्या कर रहा है यार, इधर पे आने बोला यार, ये पागल है यार, किधर जाती हो और किधर आ रहा है ये, आ जा भाई जल्दी आ जा, इधर इधर आ जा भाई यार, आ जा भाई, मस्तीदार है यार। ओ 100% हो गया यार, मेरे को लगा हुआ नहीं है भाई, हो गया यार, चलो ख़त्म यार, फाइनली इसका 100% इम्प्रिंटिंग हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोग भी मेरे साथ खुश हो जाओ यार, इतना दिनों बाद ये भाई 100% हुआ। तो चलो आज के लिए मैं बस इतना रखता हूँ, अभी इसको भी करना है, ये कितना दिन में बड़े हो गए वो नहीं पता, कल मैं क्या करूँगी वो तो बाद में सोचेंगे। तो होप यू गाइस आर एंजॉयड माय वीडियो, अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए से गेम प्ले की वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।